अभी तो देख ये शिमला तो है ना दूर है दूर है दूर है हाँ शिमला तो दूर है ना सो फाइनली हम निकल चुके हैं गुई टेम्पल से ताबो की तरफ। सच में बहुत ही ऑसम यूनिक जगह है और किसी मम्मी को लाइवली देखना ये एक सच में अलग ही एक्सपीरियंस था। बस ऐसा लग रहा था कि ये मम्मी कभी भी बोल पड़ेंगी। तो जितनी ये जगह इंटरेस्टिंग है उतनी ही यहाँ की हिस्ट्री भी इंटरेस्टिंग है। तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा यहाँ के बारे में। जो ये गुई विलेज है ये राउंड अबाउट सी लेवल से 10,000 फीट ऊंचाई पर है और जो ये मम्मी है ये जो फाउंड हुई थी ये फाउंड की थी ITBP ने यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ने जब ये रोड बना रहे थे यहाँ पे 2004 में। तो अब माना ये जाता है जो लोकल्स हैं यहाँ के कि ये जो मम्मी है वो है शांगजा तेंजिंग जो एक मॉन्क थे और वियना से एक टीम आई थी जिन्होंने कार्बन डेटिंग की और उन्होंने ये बताया कि ये मम्मी लगभग 500 साल पुरानी यानी 1475 की है। अब इसके पीछे कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये जो शांगजा तेंजिंग थे जो इस एरिया में बहुत बहुत ज़्यादा स्कॉर्पियंस थे और बहुत से विलेजर्स जो है अपनी जान गंवा चुके थे। तो इन्होंने क्या किया ये समाधि में बैठे और ये काफ़ी टाइम तक अपने आप को उसी अवस्था में समाधि में जब बैठे रहे तो धीरे धीरे करके उनकी डेथ हो गई थी। और ये माना जाता है जिस दिन इनकी डेथ हुई थी एक रेनबो बना था और रेनबो के साथ जितने भी स्कॉर्पियोस थे यहाँ पे वो सभी ख़त्म हो गए थे। तो सच में बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अभी चलते हैं आगे इसी तरीके से ताबो की क्या क्या हिस्ट्रीज हैं उसको भी देखते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए यहाँ के ब्यूटीफुल नज़ारे। फाइनली वी रीच टू ताबो और ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया से कट के किसी और ही जगह आ गए हैं। लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। लुक एक पार्किंग स्टैंड है यहाँ पे होम स्टेज बहुत सारे मिल जाएंगे आपको और रहने के लिए भी सारी चीज़ें। और एक हाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यार हर जगह ब्रांच डाल रखी है कहीं भी जा रहे हैं छोटी से छोटी उसमें भी आपको स्टेट बैंक मिल जाएगा। तो अभी ये है कैफे
हिमालय ताबू। तो हम चाह रहे हैं कि यहीं पे निकलें और यहाँ पे आज कोशिश रहेगी हमारी, यहाँ नहीं स्टे कर रहे। यहाँ से है 47 किलोमीटर आपका काजा। तो हमारा टारगेट ये है, टाइम हुआ है अभी इट्स 2:05। तो मैक्सिमम 4 बजे तक या 4:30 बजे तक हम पहुँच जाएँ और बाकी यार स्पीटी लाहौल स्पीटी है, कोई कंपैरिजन नहीं है। बहुत 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 ज़्यादा सुंदर है यार, बहुत ज़्यादा सुंदर। मतलब जो ड्राइविंग एक्चुअली जो है ना इन रास्तों पे, अब तो मुझे कहीं रास्ते ऐसे नहीं मिले। मैं अभी मॉर्निंग में चला था और तब से लेकर अब तक जितने भी रास्ते मिले हैं बहुत ही क्लीन हैं, कहीं पर कोई चंक भी नहीं मिला है छोटा वो टूटा हुआ। और गाड़ी की स्पीड भी अब अराउंड अबाउट 55-60 कांस्टेंट रह सकती है, ऐसा कुछ नहीं। कहीं टर्न वगैरह पे आपको कम करना पड़ता है, अदरवाइज़ आप 50-60 ईजिली चला सकते हैं। करते हैं एक्सप्लोर, अभी मोनेस्ट्री जाएंगे यहाँ पे, देखते हैं वो कैसा है और वो मैं आपको अपडेट दे दूँ। तो ये अभी ताबो में रुके हुए हैं, यहाँ पे क्रिकेट मैच हो रहा है अभी। बेसिकली वैसे तो है हेलीपैड, लेकिन हेलीपैड को मैट डालकर अभी क्रिकेट पिच बनाया गया है। तो बाकी काफ़ी क्राउड आया हुआ है, होटल वगैरह हमने यहीं ले लिए हैं। तो प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया है कि हमें आज जाना था काजा, लेकिन अब काजा नहीं जा रहे हैं, आज हम ताबू में ही रुकेंगे। क्योंकि यहाँ का जो ऑरा था बहुत अच्छा लगा, तो आज हम यहीं स्टे करेंगे और देखेंगे कल सुबह मॉर्निंग में जल्दी निकलेंगे तो क्या रहता है वो मैं आपको अपडेट करता हूँ। अभी तो खैर यहीं पे हैं, यहाँ की लोकल मार्केट वगैरह को एक बार एक्सप्लोर करते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं। ये देखिए दर्शक मैच देख रहे हैं। आदि आदि हेलो करो। यहाँ पे यूपी रेस बहुत ज़्यादा है, 15-20 मिनट में वैसे ही बिना उसके रहा तो ऐसा लगा ब्लर दिख रहा है, लेकिन आई लगाने के बाद अब थोड़ा अच्छा दिख रहा है। आज सारे ही चश्मे हुए हैं, आज पापा मम्मी बैठी हुई हैं सारे आज। बाकी देखते हैं मैच, आपको अपडेट देता हूँ। तो फाइनली ताबू में हम टाइगर डेन रेस्टोरेंट एंड होटल इसमें रुके हैं, और इससे रुके क्योंकि ओरा बड़ा अच्छा था। और ये देखो ये छोटा ओरा, ओए आदि हाँ। ये तो ऐसा लग रहा है इनका लोकल होके रह गया है। पापा हाँ मम्मा, अभी तो देख ये शिमला तो है ना दूर है, दूर है हाँ। दूर है हाँ, शिमला तो दूर है या दूर है। तो बाकी बादल आने शुरू हो गए हैं यहाँ पे भी, ठंड हो गई है यहाँ पे भी, ढेर जब भी ऊपर आता समझ जाया करो। ये इधर को देखो, शॉल शूल कैप, तो अच्छा खासा ठंड होती जा रही है। और मुझे लग रहा है कि अभी बारिश और आधे घंटे में बारिश यहाँ पे आने वाली है। अभी तक मोनेस्ट्री जाना था तो गई नहीं, वहीं पे क्रिकेट में ऐसा थोड़ी देर वहीं बैठ गए थे, धूप थी अच्छा लगा। अब जाएंगे मोनेस्ट्री, देखते हैं वहाँ का क्या है, क्योंकि है तो मोनेस्ट्री सेम सारी। अभी जैसे पीछे भी 2-3 मोनेस्ट्री होके आए हैं तो सारी सेम ही है, देखते हैं यहाँ की भी कि क्या है। बड़ी बड़ी गौतम बुद्ध की मूर्ति है, लेह में डिफरेंट थी, लेह की जब हम गए थे तो वहाँ की किसकी मोनेस्ट्री थी वहाँ की, तो बहुत और ऊंची भी बहुत है, बहुत ज्यादा ऊंची, थक जाते हैं चढ़ते। इस वे पे इतनी बड़ी मोनेस्ट्रीज नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो मोनेस्ट्री ही आपका तेल निकाल देगी, क्योंकि इतना ज्यादा चलना पड़ता है पैदल। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो छोटा एक मंदिर टाइप ही अभी जो हमने देखी है, लेकिन ले साइड में जब जाते हो तो बहुत ऊंची ऊंची मोनेस्ट्री बनी हुई है, और ऐसा लगता है कि पूरा जिला ही बसा हुआ है एक मोनेस्ट्री के अंदर, कि बहुत सारे परिवार रहते हैं और जैसे जो बुद्धिस्ट धर्म को सीखने के लिए आते हैं
तो उनके जो बच्चे होते हैं जो सीखते हैं वो सारे भी वहीं होते हैं। आओ इधर आओ। तो बाकी यहाँ पे जाते हैं, देखते हैं यहाँ पे कैसा है थोड़ा बहुत। हाँ